हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि सिविक्स का है। ठीक है, चैप्टर नंबर 9। फर्स्ट आई विल रीड एंड देन एक्सप्लेन। तो पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो पेंसिल ले लीजिएगा, जो भी मैं रीड करूँ और उसमें जो हार्ड वर्ड्स लगे आपको अंडरलाइन करते जाइएगा, या जिन लाइंस को मैं कहूँ उनको आप साथ ही साथ अंडरलाइन कर लीजिएगा। सो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन लेंगे। इन द इंट्रोडक्शन पोर्शन, इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल एंड इम्पॉर्टेंट पिलर एज वेल एज द स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखा, अपना जो भारत का संविधान है उस जो हमारा भारत के संविधान का प्रीएम्बल जो है, प्रस्तावना जो है, और जो इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं हमने उसके बारे में देखा। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट अदर इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इस चैप्टर में हम बाकी के कुछ इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। नाउ फर्स्ट देखेंगे आगे ह्यूमन राइट्स, जो मानव अधिकार है उसके बारे में। ह्यूमन राइट्स आर दोज राइट्स विच नॉट ओनली गिव अ पर्सन हिज हर बेसिक एग्जिस्टेंस बट ऑल्सो ओवरऑल डेवलपमेंट इन विच सोसाइटी हेल्प्स टू कंस्ट्रक्ट एन एनवायरमेंट विच एनेबल्स हिम हर टू ग्रो। ह्यूमन राइट्स क्या है? वो राइट्स हैं जो इंसान को उसका अस्तित्व बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, विच नॉट ओनली गिव अ पर्सन हिज अ बेसिक एग्जिस्टेंस बट ऑल्सो, और साथ ही साथ सिर्फ ऐसा ही नहीं कि एग्जिस्टेंस के लिए, हाँ, कि एक उसका अस्तित्व है, बल्कि साथ ही साथ उसके पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन राइट्स होता है। और जो सोसाइटी है एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है जहाँ पर वो पर्सन अच्छे तरीके से ग्रो कर सके, खुद को डेवलप कर सके। इन एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री द सिटीजन आर कंफर्ड विद बेसिक राइट्स। जो लोकतांत्रिक देश हैं जहाँ डेमोक्रेसी है, वहाँ पर हर एक व्यक्ति को एक उनका बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स है। अ पर्सन इज़ नॉट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कैन एक्सपीरियंस द बेसिक राइट्स, द प्रोटेक्शन ऑफ दीज राइट्स आर एश्योर्ड बाय सोसाइटी एंड नेशन एज वेल। तो ये जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पर किसी पर्सन को उसके कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता, कोई भेदभाव नहीं किया जाता। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। और साथ ही साथ उसे भरोसा दिलाया जाता है कि मतलब आपका डेवलपमेंट है, आपके जो राइट्स हैं उसकी पूरी से पूरी मतलब यहाँ पर पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिक जो राइट्स हैं उसे ह्यूमन राइट्स कहा जाता है। द पर्सन बाय हिज बर्थ, मतलब जिन पर्सन को by birth on rights which are reserved basic rights which are known as human rights, by birth से जिसको जिसके पास अपने rights हैं government के through, उस country के through, तो उस वो क्या हैं? Human rights हैं। Now United Nations General Assembly has declared human rights on 10th December 1948 and 10th December is celebrated as Human Rights Day. ये यूनाइटेड नेशन यूएन की जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया ह्यूमन राइट्स डे 10th दिसंबर 1948 को, और तब से 10th दिसंबर को क्या ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रॉम द ग्लोबल अनाउंसमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, सर्टन बेसिक एंड इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स आर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड देयर बाय दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड इन अ डिग्निफाइड वे। जब ये अनाउंस किया गया पूरे विश्व में, ग्लोबल बेसिस पर पूरे विश्व में जब ये अनाउंस हुआ ह्यूमन राइट्स डे, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ राइट्स को ऐड किए गए और इन राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया अभिमान, मतलब उनको सम्मान करते हुए। दस दोज राइट ह्यूमन राइट्स विच आर इंक्लूडेड बाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर नोन एज फंडामेंटल राइट्स। और जब ये अनाउंसमेंट के बाद अपने इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ने जो ऐड किया
राइट्स को, उसे ही अब क्या कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स। दीज ह्यूमन राइट्स प्रोक्लेम द ह्यूमन बींग टू लिव इन अ डिग्निफाइड वे। ठीक है, ये ह्यूमन राइट्स ये बताते हैं कि जो लोग हैं इनके बेसिस पर एक आत्मसम्मान के साथ रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग द बेसिक नीड्स फूड क्लोथ शेल्टर एजुकेशन एंड हेल्थ शुड बी रिसीव इन अ डिग्निफाइड एंड रिस्पेक्टेबल वे। तो ये ह्यूमन राइट्स की वजह से जो ह्यूमन नीड्स हैं लाइक फूड क्लोथ शेल्टर एजुकेशन हेल्थ, ये इन्हें एक सम्मान के रूप में एक सही तरीके से मिलने चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्री अलाउज इट्स सिटीजन टू इन्जॉय इक्वल राइट्स फॉर मल्टीफेसेटेड डेवलपमेंट। जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो अलाउ करती है अपने सिटीजन्स को कि वो इन्जॉय करें अपने राइट्स को अपने हर एक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, मल्टी फेसेटेड मीन्स बहुमुखी, मतलब एक से ज़्यादा जो डेवलपमेंट हो उसे कहा जाता है। द स्टेट गारंटी सच अ कंडसिव एनवायरमेंट वेयर इन वन हैज़ प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट अ ट्रू आइडेंटिटी ऑफ अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। डेमोक्रेटिक सिस्टम का सही मीनिंग ये है कि वो कंट्री अपने लोगों को एक अनुकूल वातावरण यानी कंडसिव एनवायरमेंट प्रोवाइड करे जिससे कि उनके राइट्स का प्रोटेक्शन हो सके। वो डेमोक्रेटिक सिस्टम की एक सही पहचान है। तो आगे देखेंगे फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कितने हैं। टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जिसको वन बाय वन हम समझेंगे। मैं रीड कर रही हूँ और एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से। चलिए, तो अब फंडामेंटल राइट्स हैं। द नेशंस स्टेबिलिटी प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी आर प्रोटेक्टेड थ्रू फंडामेंटल राइट। किसी भी राष्ट्र का, देश का जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसका उसका उसके सिटीजन्स का प्रोटेक्शन जो फ्रीडम है वो किस पे डिपेंड है, फंडामेंटल राइट्स पर। ओके, तो फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, देन राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये टोटल 6 राइट्स हैं जिसमें हम फर्स्ट लेंगे राइट टू इक्वालिटी। अभी हमें ये देखना है कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें समानता का अधिकार है। अभी समानता के अधिकार में किन किन चीज़ों में समानता दिखाई गई है और उसमें उनको हक दिया गया है कि यहाँ पर आप इक्वल हो, अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो आप आवाज़ उठा सकते हैं, ये आपका राइट है कि आपको समान मतलब दर्जा मिले। तो फर्स्ट राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर इंक्लूडेड इन राइट टू इक्वालिटी। मतलब कानून के सामने सब लोग बराबर हैं और कानून उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी सब इक्वल हैं। ठीक है, मतलब सबको समान अधिकार मिला है कि वो उस राइट को फॉलो करें और उसको प्रोटेक्ट भी करें। आर इंक्लूडेड इन राइट टू इक्वालिटी, दिस फंडामेंटल राइट इज़ द मेजर फाउंडेशन ऑफ ऑल अदर राइट्स एंड प्रिविलेज गारंटीड टू इंडियन सिटीजन। तो इंडियन सिटीजन को जो राइट्स मिले हैं उसमें ये जो राइट टू इक्वालिटी है ये न्यू है, एक फाउंडेशन है बाकी सभी राइट्स का, विशेष अधिकार है ये। नाउ इट इज़ वन ऑफ द चीफ गारंटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक चीफ मतलब लोगों को विश्वास दिलाया गया है कि अपने भारत के संविधान में कि इक्वालिटी जो है वो एक समान है, चाहे वो किसी कास्ट का हो, रिलीजन का हो। दस इट इज़ इम्पेरेटिव दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ ईजी एक्सेस टू द कोर्ट टू एक्सरसाइज हिज अ राइट टू इक्वालिटी। अगर राइट टू इक्वालिटी के लिए किसी प्रकार का किसी भी पर्सन के साथ भेदभाव हो रहा है तो हर एक पर्सन को राइट है कि वो अपने राइट के लिए कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द राइट नो पर्सन शैल बी शोन फेवरेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ कलर कास्ट क्रीड लैंग्वेज एटसेट्रा। ठीक है, इस राइट के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन किसी भी जगह
फेवरेट नहीं हो सकता, उसकी कास्ट पर, कलर पर, क्रीड के बेसिस पर, किसी भी बेसिस पर कोई फेवरेट नहीं है, ऑल आर इक्वल। लॉ इज इक्वल टू ऑल फ्रॉम, ठीक है, लॉ जो है वो इक्वल है फ्रॉम द प्यून टू द प्राइम मिनिस्टर इफ दे एक्ट अगेंस्ट लॉ। अब प्यून हो या प्राइम मिनिस्टर हो, अगर किसी के साथ कोई भी भेदभाव हो रहा है तो वो आवाज़ उठा सकता है। इसलिए एक प्यून और एक प्राइम मिनिस्टर को सेम राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स जो हैं, दे आर ट्रीटेड इक्वली एंड आर बाउंड टू द जनरल कोड ऑफ लॉ, और वो लोग इक्वल ट्रीट किए जाएंगे। ऐसे नहीं कि प्राइम मिनिस्टर हैं तो उन्हें मतलब, ठीक है प्राइम मिनिस्टर हैं तो ऑब्वियसली देश के प्राइम मिनिस्टर हैं तो उन्हें रिस्पेक्ट मिलनी है, बट कोई प्यून है तो ऐसा नहीं कि हम उसे बुरा भला बोलें या उसको हम इग्नोर कर दें या उसको कहीं हम एंट्री ना दें कि आप नहीं नहीं तुम तो प्यून हो, मंदिर नहीं जा सकते या इस जगह आप नहीं बैठ सकते पब्लिक प्लेस पर, जो भी हो वट एवर, कि इस तरीके का कोई भेदभाव नहीं करना है, नहीं होता है हमारी कंट्री में। हाउ एवर द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स हैव, तो जो प्रेसिडेंट हैं, जो गवर्नर्स हैं, उनको कुछ विशेष अधिकार हैं, बट वो देश को चलाने के लिए, लोगों के डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, ना कि पर्सनल उनके डेवलपमेंट के लिए। इन ईच एंड एवरी सर्कमस्टेंसेस द लॉ शुड प्रिवेल इक्वली, कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, कानून जो है सबके लिए क्या है, एक समान है। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन और स्पेसिफिक फेवरेटिज्म शोन टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और क्लास, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को या क्लास को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देना है, स्पेशल अटेंशन नहीं देना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लासेस और देयर स्टैंडर्ड। ओके, एवरी लॉ शुड बी इक्वली डिसेमिनेटेड, ठीक है, हर एक लॉ जो है इक्वल है सबके लिए, ये नहीं कि इनके लिए अलग कानून है, किसी पर्सन बी के लिए अलग कानून है, ऐसा नहीं। एवरी पर्सन शैल हैव इक्वल एडमिटेंस टू पब्लिक प्लेस लाइक शॉप, रेस्टोरेंट, होटल, पब्लिक एंटरटेनमेंट प्लेस, हैव इक्वल एक्सेस टू रोड एंड लेक्स एंड यूज ऑफ पब्लिक वेल्स एंड बाथिंग घाट्स। ओके, कोई भी पब्लिक प्लेस है, जैसे मंदिर है, कोई नदी का किनारा है, कोई भी पब्लिक प्लेस है लाइक गार्डन है, रेस्टोरेंट है, शॉप है, वहाँ पर हर एक व्यक्ति समान है, हर एक को सेम राइट्स हैं, किसी के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको यहाँ पे एंट्री नहीं है। हाउ एवर द स्टेट हैज़ द राइट टू मेक एन स्पेशल अरेंजमेंट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन और फॉर द डेवलपमेंट of any social or educational backward classes or scheduled caste or scheduled tribes, ठीक है, तभी स्टेट जो है उनको राइट है कि इन सब के लिए, जैसे वुमेन है, चिल्ड्रेन है, जो बैकवर्ड है उनको आगे लाने के लिए कुछ वो स्पेशल स्कीम्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं उनको स्पेशल अटेंशन दिया जा रहा है, ओनली द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री आप ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, क्रीड, डिसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गवर्नमेंट सर्विसेज एंड हायर एजुकेशन अंडर द स्टेट। अप्लाई कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट ने जो भी एलिजिबिलिटी रखी है किसी भी पब्लिक सर्विस के लिए और आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर कास्ट या पर्सन ही उसमें अप्लाई करेगा। नेक्स्ट, एज अ गारंटी टू सोशल जस्टिस एंड पर्सनल डिग्निटी, अनटचेबिलिटी इज एब्लॉइश्ड एंड इट प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल ऑफेंस। अगर किसी व्यक्ति के साथ, उसके साथ कोई भी भेदभाव होता है, छुआछूत का भेदभाव होता है, ये टोटली ये सब समाप्त कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया है, फिर भी अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ कर रहा है, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा कि आप इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए उसको सज़ा मिल सकती है। और ये गारंटी है कि सोशल जस्टिस जो है, ये सरकार, हमारा संविधान एक गारंटी देता है कि एक सोशल जस्टिस आपको प्रोवाइड कराया जाएगा।
किसी भी पर्सन के साथ, उसको कास्ट, रिलीजन, क्रीड, किस उसका बर्थ प्लेस, या उसने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रखी है, या उसने गवर्नमेंट सर्विस कर रहा है, हाई पोस्ट पर है, किसी भी बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इन मैटर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस इक्वल अपॉर्चुनिटी हैव टू बी ऑफर्ड टू ऑल सिटीजन। अभी सर्विसेज जो हैं, ठीक है, पब्लिक सर्विसेज जो हैं, तो हर एक पर्सन को सेम राइट्स हैं। आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ओनली हाई लेवल के लोग या इस कास्ट के, सेम किसी पर्टिकुलर कास्ट के लोग ही अप्लाई कर सकते हो। ओके, हाउएवर द स्टेट इज़ गिवन परमिशन टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर सेट सर्विसेज। अब ये स्टेट डिसाइड करते हैं कि जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी उस एलिजिबिलिटी के बेसिस पर जो भी गवर्नमेंट एलिजिबिलिटी रखेगी, आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही जो मतलब ये एज अ गारंटी ऑफ टू सोशल जस्टिस एंड पर्सनल डिग्निटी, अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड एंड इट प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल। कि हमारे देश में छुआछूत के जो ये कुरीतियाँ थी पहले, वो हटा दी गई हैं। अगर किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति के साथ किया जा रहा है तो उसे पनिश किया जाएगा। टाइटल एंड एपिक्स विच क्रिएट आर्टिफिशियल डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी हैव बीन रिमूव्ड। जो उपाधि दी जाती थी लोगों को, वो उस तरह की उपाधियाँ जो आर्टिफिशियल डिस्क्रिमिनेट करता था लोगों को, एक मन में एक मतलब भेदभाव आता था कि हाँ उन्हें इस नाम से बुलाया जाता है, उनको ये उपाधि दी गई है, वो हटा दिया गया। एडजेक्टिव्स यूज बिफोर नेम सर, लाइक सर, दीवान जी, राय बहादुर आर रिमूव। ठीक है, इस तरीके के सरनेम्स टाइटल्स पहले लगाए जाते थे, बट अब रिमूव कर दिए गए हैं। किसी को कोई स्पेशल टाइटल नहीं दिया जाएगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू फेलिसिटेट स्पेशल कंट्रीब्यूशन एंड अचीवमेंट ऑफ इंडिविजुअल इन वेरियस फील्ड्स गिव स्पेशल अवार्ड लाइक भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म चक्र, परमवीर चक्र इज अवार्डेड इन मिलिट्री सर्विसेज। बट उसकी जगह पर इस तरीके के लोगों को अवार्ड दिया जाता है। एडजेक्टिव्स लाइक जनरल, मेजर, चीफ मार्शल, फील्ड मार्शल आर एडेड बिफोर नेम इन मिलिट्री सर्विसेज विच इज़ नॉट कंसिडर एज अ वायोलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी। और ये जो पोस्ट के अकॉर्डिंग मिलिट्री सर्विसेज में नेम के आगे दिया जाता है, जैसे जनरल, मेजर, तो ये किसी तरीके का कोई उल्लंघन नहीं है राइट टू इक्वालिटी का। ठीक है, कि उनके खिलाफ कि हमें किसी को टाइटल नहीं देना, ये तो एक पोस्ट का नाम है जो जिस पोस्ट पर होता है। जैसे हमारे स्कूल में अभी अगर स्कूल का हम एग्जांपल लेते हो, असिस्टेंट टीचर, टीचर, प्राइमरी टीचर, प्रिंसिपल, सबके अलग अलग पोस्ट हैं, तो ये कोई राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है। द एम ऑफ दिस राइट इज़ टू फॉर्म इक्विटेबल सोसाइटी एंड देयर बाय एस्टैब्लिश रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। ठीक है, द एम क्या है कि एक ऐसी सोसाइटी एस्टैब्लिश हो जहाँ पर इंडिया का जो लॉ है, जो रूल्स हैं, वो सही तरीके से फॉलो हो सके, लोगों को समान रूप से देखा जा सके और समान हक मिल सके। टू प्रोवाइड स्पेसिफिक सर्विसेज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप और क्लासेस, देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोविजंस अंडर लॉ। फॉर एग्जांपल, देयर आर डिफरेंट लॉ फॉर एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, इंश्योरेंस एजेंसीज, वुमेन, जुबेनिलेस, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस आर्टिकल। ठीक है, कि कुछ क्लासेस में जो डिवीजन किए गए हैं सर्विसेज में, तो उनके कुछ प्रोविजंस हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये भी रूल है हमारी कंट्री का कि इक्वल पे इक्वल वर्क, जो जितना काम करेगा उतना उसको पे करना। ये नहीं कि सेम वर्क अगर पर्सन ए से करवाया जाता है, सेम वर्क पर्सन बी से, तो पर्सन ए को हम ज़्यादा पे करें और पर्सन बी को कम, नहीं, ये अनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। तो इस आर्टिकल में इसको भी ध्यान दिया गया है। सो डियर, आज की इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर। थैंक यू।